मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडी एट होम। बेटा, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, ओके? आज थर्सडे है ना, तो आज हिंदी व्याकरण का टर्न है। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 8, करना या होना, ओके? करना या होना मतलब कि क्रिया का करना या होना, ठीक है? हम लोग इससे पहले आपको होमवर्क दिए थे, इसमें ना जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया। ये होमवर्क भी था आपका। तो चलिए आज हम लोग क्या फिल करेंगे, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए हुए हैं, क्रिया शब्द। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है बेटा, हमारे क्रिया शब्द। हम पढ़ रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है, लिख रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है, खेल रहे हैं दौड़ रहे हैं तो क्रिया हो रही है, ओके? चलना, चढ़ना, उतरना, नहाना, ये सब क्या है, हमारे क्रिया शब्द। हम नहा रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिया शब्द। नेक्स्ट क्या है, खाना, पीना, सोना, हंसना, ये सब क्या है, हमारे क्रिया शब्द, मतलब कि कार्य हो रहा है। रोना, बैठना, उठना, जाना, ये सब क्या है, हमारे बेटा कार्य शब्द, मतलब हम बैठे हैं तो भी हमारा कार्य हो रहा है, ओके? नेक्स्ट है क्या, सही क्रिया रूप छांटकर खाली स्थान भरो। यहाँ पर बेटा कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इसमें से जो सूटेबल हो उसके लिए क्या करना है, खाली स्थान भरना है। पहला क्या है, नेहा स्कूल, नेहा एक लड़की का नाम है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, इसमें से चूज करेंगे, नेहा स्कूल जा रही है ना। फिर क्या है दूसरा, बच्चे क्रिकेट, बच्चे मतलब एक से ज़्यादा बच्चों की बात है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। फिर धोबी कपड़े क्या करता है, धोता है, धोबी कपड़े धोता है। नेक्स्ट क्या है, सुमित पतंग उड़ाता है, एक बच्चे की बात है ना, तो सुमित पतंग उड़ाता है। तरुण खाना खा रहा है ना, तरुण एक लड़का है तो खाना खा रहा है, ये समझ में आया सारे बच्चों को, ओके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखो। यहाँ पर बेटा 1, 2, 3 तीन चित्र दिए हुए हैं, उनको देखना है और क्रिया शब्द लिखना है। यहाँ आप लोगों ने क्रिया शब्द पढ़े ना ढेर सारे, तो वैसे ही उन्हीं में से देखकर यहाँ पर क्रिया शब्द लिखना है। पहले में क्या हो रहा है, एक औरत है, वो क्या बना रही है, कढ़ाई में देखो खाना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, खाना पकाना, ये हो गया हमारा क्रिया शब्द, पकाना मतलब खाना बन रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, पकाना हो रहा है, खाना बन रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। ये घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया, ठीक। ये बच्ची क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो पीना क्या हो गया हमारा, क्रिया शब्द, ओके? तो आपका होमवर्क है आज का, आपका आज का होमवर्क है बेटा यही कि आपको ये फिल करना है और ये भी फिल करना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे फिल कर देंगे, इवनिंग में आपकी कॉपीज़ चेक हो जाएंगी, ओके बेटा? आई होप आप लोगों को अच्छे से हिंदी समझ में आ रहा है और सारे बच्चे, आप सभी लोग हिंदी का वर्क करेंगे और सभी लोग क्लास में ग्रुप में अपना हिंदी वर्क सेंड कर दीजिएगा, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लास ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ओके बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।